तो वैसी स्थिति अब तक पैदा नहीं हुई है लेकिन अगर इन्होंने चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करी तो पैदा हो सकती है और चुनाव में कुछ भी हो सकता है चुनाव में कुछ भी हो सकता है एक रात में चुनाव पलट जाता है एक बयान से चुनाव पलट जाता है नब्बे सीटों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया तो मुझे समझ में आया कि दस दिन पहले जहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी वहां से वो नीचे आ गई है और बीजेपी वहां से ऊपर चली गई है अब आप बात कर रहे थे हरियाणा का हरियाणा तो अभी सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है अलग अलग वजह से चुनाव जम्मू कश्मीर में तो एक फेज का हो गया है हरियाणा में होने वाला है आपने तो सीटों का भी एक रख दिया है ब्योरा क्या है हमारे दर्शकों के लिए तो बताइए मैंने कल पांच घंटे काम किया पांच घंटे काम किया काम किया और मैं अकेला बैठा कागज और पेन ले लेके लैपटॉप लेके नहीं बैठा और मैंने सब जगह फोन लगाए हरियाणा के दस पार्लियामेंट में जो जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनका किसी से मतलब नहीं किसी पार्टी से उन सब से बात करी और 90 सीटों का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया तो मुझे समझ में आया कि 10 दिन पहले जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी वहां से वो नीचे आ गई है और बीजेपी वहां से ऊपर चली गई है और इसमें मेरी समझ ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी 60 प्लस सीट पे थी 10 दिन पहले 10 तो दिन पहले तक तो हाँ। और मैंने उसमें खास तौर पर लिखा है कि यह डाटा 18 तारीख तक का है जो जिस जिस आप जिक्र कर रहे हैं जी तो वो मैं एक हफ्ते बाद फिर से उस हाँ। तो पर जो डाटा है कि कांग्रेस पार्टी जा रही है तिरपन चौवन तक बीजेपी करीब करीब वैसे तो बारह जगह इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें मुझे लगता है पांच छह आराम से सीट निकाल लेंगे और आई को भी थोड़ा सा फायदा हुआ है पहले के मुकाबले पहले मुझे लगता था एलहाबाद जहां से अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं और यमुनानगर सीट ये दो ही स्ट्रांग है उनकी लेकिन दो तीन सीटें और हैं जहाँ वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं तो चार पांच सीटों पे वो भी खड़े हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी को शायद अपने आप को ठीक करने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी बहुत माइनूटली काम कर रही है जो आप देख रहे हैं रैलीज अमित शाह की उसके अलावा वो जो बैकडोर मीटिंग करते हैं उसमें वो बहुत चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं और बीजेपी में एक अच्छी बात यह है कि वो आखिर तक लड़ते हैं दस साल वो से, गेम फिनिश नहीं दस साल से उनका राज है। आज उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और उस गारंटी कार्ड के ऊपर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो, फोटो बीजेपी समझती है की मनोहर लाल के खिलाफ एंटीडेंसी थी इसलिए उनको हटाया था इसलिए नायब सिंह सैनी को बनाया था और आज उन्होंने उनके चेहरे को ही गायब कर दिया नया ओबीसी चेहरा सैनी और पीएम खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी क्योंकि इधर राहुल गांधी जो कर रहे हैं इस वक्त एस, और और ओबीसी की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं उधर उद, उनका ओबीसी मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के दो मुख्यमंत्री ओबीसी थे अशोक गहलोत तो, और भूपेश बघेल अब तो नहीं है ठीक नहीं है।, है अब आपके पास एक ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के और दो साउथ से हैं साउथ में कोई इनका मतलब ज्यादा है नहीं ठाकुर का या ओबीसी का वो एक अलग तरह की राजनीति वहां पे होती है तो बेसिकली एक रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है जहां मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने आप को आने वाले इन दस दिनों के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार हो रही है हरियाणा में और जो हमने मतलब लोगों ने देखा हमने क्या देखा सबने देखा कि जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ था अगर आपको याद हो छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हो रहा था हर दिन जो बात हो रही थी मीडिया में सर्वे आ रहे थे सब में एक मतलब सब जगह ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और और रिजल्ट कुछ आया तो आपको लगता है हरियाणा मध्य प्रदेश में भी राज करने के बाद और साढ़े तीन साल का राज ये। और उसके बाद आप रिकॉर्ड तोड़ सीट लेके आएंगे नहीं रिकॉर्ड तोड़ नहीं आदेश जी लेकिन ये उम्मीद थी मध्य प्रदेश में की मतलब सरकार बच सकती है ये ऐसा नहीं था छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल

कोई पी कह दें या मुख्यमंत्री कह दें या स्लिप ऑफ टंग हो जाए किसी नेता से उसी में चुनाव बिगड़ जाता है